नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आप सभी के लिए है कि जो बच्चे अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट या एएसआई की परीक्षा देके आए हैं, मतलब जो टाइपिंग और कंप्यूटर का नॉलेज जिनके पास पहले से है, तो उनकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए बहुत बेहतर 210 पदों के लिए JCA का यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पद है वो निकाल दिया है। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे क्या है एलिजिबिलिटी, किसके लिए है बेहतर, क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है एज और कैसे इसकी तैयारी करें, तमाम बातें बहुत विधिवत तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये अब जो पूरा का कोर्स है यहाँ पे इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग चलाने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तैयारी भी करवाने वाले हैं। बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में आपको मिलेगी, तो इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। उससे पहले आप जान लो कि इसका जो कोर्स है वो अभी जो पुराने स्टूडेंट है वो उनके लिए 50% ऑफ कर दिया गया है। प्रथम केवल 100 बच्चों के लिए है, 50% ऑफ है। 999 का कोर्स 1000 का 499 में है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक पॉइंट ये जान लो कि इस संडे को 2 फ्री टेस्ट हो रहे हैं, एक पीईटी का, एक रेडियो ऑपरेटर का। फर्स्ट विनर को मिलेगा ₹1000 कैश प्राइज। आते हैं हम लोग, देखते हैं कि मेन क्या है इसमें और कितनी जबरदस्त खबर आपके लिए ये आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया है और इस एडवर्टीजमेंट में टोटल 200 पद हैं। पद का नाम जो है वो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है। इसमें कहीं ना कहीं एक जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट ही मान लो, इस बस कोर्ट इसमें लगा हुआ है, तो जूनियर असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल की है इसमें। आशीष सर आपको जॉब प्रोफाइल की और कितना इसमें सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट सैलरी बहुत जबरदस्त देता है, ये बात आप समझिएगा। आशीष सर इसकी पूरी जो प्रमोशन है, जो सैलरी है, सब कुछ एक वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, टोटल जो सैलरी है ₹63,068 पर मंथ बनता है प्री रिवाइज्ड आफ्टर पे स्केल PB2 के बात करें तो। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसमें केवल सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, ये बहुत अच्छी बात है। सिंपल ग्रेजुएशन हो, कोई आपको स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए कि आपको BSc BCA हो, ओ लेवल हो, PGDCA, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। केवल आप क्या हो, बैचलर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद आपका इसमें टाइपिंग एक स्किल टेस्ट होगा, ये कितना 35 वर्ड पर मिनट, जिसका अभ्यास आप पहले से ही ASI और कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर देके आए हो उसमें अभ्यास कर चुके हो। और सबसे अच्छी बात है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आशीष सर बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्यूटर पढ़ाए हैं। एक एक क्वेश्चन फंसा है ASI में फंसा है और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एक क्वेश्चन फंसा है, तो इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के भी पेपर में वो एक एक प्रश्न आपके कंप्यूटर के फंसाने वाले हैं। तो ये आप समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। लेकिन उससे पहले जो एज है वो 18 से 30 है, मतलब सब कुछ आपके लिए विन विन सिचुएशन है। पोस्ट भी बहुत अच्छी है, 210 है, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं, जो कोर्ट वगैरह होते हैं, उसमें ऐसे ही पद आते हैं, चाहे आपका यूपी का कोई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी हो, सब में ऐसे ही पद आते हैं और 210 एक अच्छी पद माना जाता है। यहाँ पे देखें अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 और 25, टोटल 125 क्वेश्चन होंगे। जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको बता दूं, इस 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश होगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश होगा। तो हनीफ सर ने इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, फिर से आपको पढ़ाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। 50 क्वेश्चन इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड यानी मैथ का है, और मैथ के लिए आपको डरना नहीं है अगर मैं आपके साथ हूं, और 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे GS का है, जनरल नॉलेज का इन्होंने बोला है, और GS में उन्होंने सब कुछ रखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन रखेंगे। इसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट सिलेबस का वीडियो मैं खुद लेके आऊंगा आज शाम या कल सुबह तक, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज बताऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलता चले। इसके अतिरिक्त आपका 25 क्वेश्चन और आएगा, ये जो 25 क्वेश्चन होगा ये आपके मन पसंदीदा टॉपिक यानी कि कंप्यूटर से पूछा जाएगा और बहुत विधिवत इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका स्तर थोड़ा सा अच्छा होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ टाइप होगा, मतलब टोटल के आपके 125 क्वेश्चन होंगे। और इस 125 क्वेश्चन के लिए जो निर्धारित समय है, 125 क्वेश्चन के लिए जो निर्धारित समय है वो आपका कितना है, 2 घंटे दिया गया है, यहां आप देख सकते हो। और जो निगेटिव है, निगेटिव जो है ये 1/4 है, इस बात को आप समझते हुए चलना, ठीक है। ईच क्वेश्चन कोई निगेटिव जो है 1/4 है और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये बात आप समझते हुए चलना। टाइपिंग जो है इंग्लिश की केवल होगी, हिंदी की नहीं होगी, और 35 वर्ड पर मिनट होगी। और जो मिस्टेक्स हैं उसमें 3% मिस्टेक अलाउड है, मतलब कि आप अगर 500 वर्ड कर रहे हो तो आप 15 वर्ड उसमें गलत करते हो तो वो टॉलरेंस लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एक जो तीसरा चरण इसका बोल दो, एक चरण आपका यही है, क्या है, रिटन टेस्ट है। 3 चरण में आपका पेपर होना है,
दूसरा आपका क्या है, टाइपिंग है, और तीसरा आपका जब आप टाइपिंग निकाल लोगे तो एक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो 2 घंटे का होगा। टाइपिंग के लिए अलाउड मिनट केवल 10 मिनट मिलेंगे और 35 वर्ड पर मिनट है, इसका मतलब आपके पास 400 वर्ड का एक पैराग्राफ लगभग आएगा। ऐसे आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आया था, ऐसे ही आपका आएगा, पैटर्न आपका लगभग वही होगा। इसके टाइपिंग की भी डिटेल मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2 घंटे का स्किल टेस्ट होगा, इसके लिए घबराना नहीं है, पहले तो आप पहला स्टेज क्लियर करो, दूसरा स्टेज क्लियर करो, अभी आप इसके लिए फोकस करो, अभी तीसरी फोकस नहीं करना है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, बहुत आसान होता है, और ये जो होता है प्रिसाइज राइटिंग और एसे राइटिंग के आधार पे होता है, कंप्रेंशन पे होता है, बहुत आसान होता है, इस चीज के लिए परेशान मत हो। तो टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। जैसे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक तरफ रिटन हुआ था, उसके जस्ट बाद क्या हुआ था, टाइपिंग हुआ था, सिमिलरली इसमें भी किया जाएगा, ये बात आप समझते हुए चलना। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लें, 18 तारीख से मतलब आज से ही आपके फॉर्म फिलिंग चालू है, ₹500 फॉर्म का है, ₹250 ओबीसी है ना, एप्लीकेशन टेस्ट फी ऑफ ₹500 जनरल ओबीसी के लिए, ₹250 एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये बात आप समझते हुए चलना। आगे भी देखना, क्लोजिंग डेट जो है वो 10 जुलाई को ही आपका ये क्लोज हो जाए, 18/6/2022 से स्टार्टिंग ये है, और जो लास्ट डेट है वो 10/7, ये जरूर याद रखना, 10/7/2022 लास्ट डेट है, मतलब आपको ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, आपको 12 दिन इधर मिल रहा है, 10 दिन मिल रहा है, मतलब 20 से 22 दिन केवल फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है, एक महीना नहीं मिल रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताता रहूंगा आगे, ये सारी चीजें हैं, इसे आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ भी सकते हो, इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। यहां पे देख लेते हैं द डेट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, ये बोला है, हालांकि इंटरव्यू लिख दिया, इंटरव्यू उसमें नहीं है, यहां पे आपका क्या है स्किल जो है डिस्क्रिप्टिव है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें सामान्य है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज बस इतनी है कि यहां पे जो आपका ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, बहुत जबरदस्त इसमें तैयारी कराई जाएगी, मैथ्स में खुद पढ़ाऊंगा, मेरे अगर तरीका आपने देखा ही होगा, कंप्यूटर आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश आपको हनीफ सर पढ़ाएंगे, और जीएस में आपके बहुत जबरदस्त फैकल्टी, आपके मृत्युंजय सर हैं, आपके अनु सर हैं, आपके रमन सर हैं, और भी जो अन्य फैकल्टीज है, बहुत प्रॉपर कोर्स चलने वाला है। अभी के लिए ये केवल ऑफर है और ये केवल 2 दिन ऑफर चलेगा, इसके बाद कोई भी ऑफर नहीं दिया जाएगा, 1000 का कोर्स है और ये आपको केवल 499 मिल रहा है, 50% ऑफ, केवल 2 दिन, वो भी प्रथम 500 बच्चों के लिए, जो पहले टारगेट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो देर ना करें, लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी, लाइव क्लासेस छूट जाती हैं किसी कारणवश, अगर आप वर्किंग हो तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल बहुत ही जबरदस्त क्वालिटेटिव कंटेंट रेडी टू प्रिंट, हम लोग एकदम आप उसे प्रिंट करा के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरा जो बुक होती है उसका पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, सेक्शनल टेस्ट होगा और डाउट सेशन वो भी जूम मीटिंग के थ्रू होगा, वैलिडिटी इसकी जो रहेगी टिल एग्जाम रहेगी, और हम 2 महीने में इसका कोर्स बहुत आराम से 2 से 3 महीने में खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी। संडे को 2 फ्री टेस्ट देना आप मत भूलना, एक पीटी का, रेडियो ऑपरेटर का, जो फर्स्ट विनर होगा उसे ₹1000 कैश प्राइज मिलेगा। अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट में अपने क्वेश्चन एकदम निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, आपके एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, सारे आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। अन्य कोई समस्या होती है तो आप 9450006007 और 9129 91 29 79 69 70 80 इस पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नीचे नंबर चल रहे हैं, इस पे कॉल कर सकते हो बिना झिझक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।